आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आपको ऑटो ऐड लगाना है या ऑटो ऐड को बंद करना है, ठीक है। इसका जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि ऑटो ऐड को कैसे बंद किया जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर में ये भी बताऊंगा कि ऑटो ऐड कैसे लगाना है, ठीक है। बाकी ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि ऑटो ऐड को कैसे बंद किया जाएगा। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है क्या है कि चलिए यहाँ पे जो है थीम को ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि थीम जो है ओपन हो गया, इसे वेबसाइट भी बोल सकते हो, ब्लॉग भी बोल सकते हो। तो ये जो है ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल एडसेंस का एड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एड जो है चलता है, इसके नीचे में आप आके देख लेना। इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो ऐड कैसे चालू करना है या बंद करना है। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या कि सबसे पहले गूगल एडसेंस को ओपन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल एडसेंस जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगर से जो अर्निंग होती है वो गूगल एडसेंस के थ्रू ही अर्निंग होती है, ठीक है। बाकी ब्लॉगर से अर्निंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वो गूगल एडसेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं गूगल एडसेंस के थ्रू जो है ब्लॉगर से अर्निंग करता हूँ, तो आपको भी यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि एड्स पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एड्स पे जब आप क्लिक करोगे तो होता क्या है यहाँ पे कि इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो पेज ओपन होके आने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले होता क्या है कि गूगल एडसेंस का एड जो है आप अपने ब्लॉगर पे जब ही लगा सकते हो, जब आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो नीचे में जो है ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। हार्ड टचिंग हिंदी लाइन, अभी जो मैं वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाया हूँ ये वाला, यही वेबसाइट है, ठीक है। देख सकते हो कि हार्ड टचिंग हिंदी लाइन ऊपर में लिंक है। तो चलिए ये वाला जो है हार्ड टचिंग हिंदी लाइन का वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो है दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ऑन है। तो इस पे जो है एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, इसीलिए ये ऑन है। बाकी ऊपर जो है फ्रेश फोटो गैलरी है, तो इस पे अभी ऑफ लिख के दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ कमी था, मैंने उसको सुधार दिया और फिर से जो है मैंने क्या किया कि ब्लॉगर को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट किया है, इस फ्रेश फोटो गैलरी वेबसाइट को। तो यहाँ पे जो है मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस पे जो है blogspot.com के डोमेन पे जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। blogspot.com के डोमेन पे तो एडसेंस का अप्रूवल मिलता ही है, लेकिन कुछ कारण होता है थीम के अंदर में, पोस्ट के अंदर में, उस कारण से भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे जो है फ्री डोमेन पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, देख सकते हो। blogspot.com पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। बाकी हार्ड टचिंग हिंदी लाइन पे भी जो मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया था blogspot.com पे, बाकी बाद में जो है मैंने डोमेन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, जब आप अपने ब्लॉगर को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हो, तभी जो है अर्निंग कर पाओगे। तो अर्निंग करने के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ता है कि अपने ब्लॉगर पे जो है ऐड लगाना पड़ता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद। तो यहाँ पे जो है करना क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कर देना होगा। जो भी वेबसाइट आपका होगा उस पे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करते हैं। तो पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद जो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि देखो यहाँ पे अगर आपका जो ऑटो ऐड चल रहा है वेबसाइट पे, तो उसको जो है बंद करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा जो है करना क्या है कि ये ऑन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो देख सकते हो ये ऑन रहेगा इस तरीके से। तो आपको बंद करने के लिए ऑटो ऐड को यहाँ पे ऑफ कर देना होगा, ठीक है। तो ये होगा क्या कि ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि ऑटो ऐड हमें लगाना है। तो लगाना है तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे टिक कर देना है, और टिक करने के बाद जो है हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है सर्च ले रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सर्च होने दो। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि सर्च हो चुका है। तो यहाँ 5 in page ads, मतलब यहाँ पे जो है 5 ad दिखेगा, ठीक है। आपका ऑटो ऐड जो होता है वो 5 दिखेगा। देख सकते हो कि यहाँ पे G लिखा हुआ है गूगल, ठीक है। यहाँ पे ऐड चलेगा, और जो है यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो G लिखा हुआ है, इस पर ऐड चलेगा, बाकी हेडर में चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे की ओर जब आप आओगे तो यहाँ पे भी चलेगा, और एक ऐड और भी है जो कि नीचे चलेगा। तो इसमें जो है 5 ऐड चलेगा आपका ऑटो ऐड,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आप कस्टमाइज भी कर सकते हो एड लोड पे, एड फॉर्मेट पे। तो इतना कुछ करने के बाद जो है, यहाँ पे ऑन करने के बाद जो है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है 5 एड्स जो है आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले जो है गेट कोड पे क्लिक करके, और आपको जो है इस कोड को कॉपी करना होता है और थीम के हेडर में जो है पेस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉपी एंड पेस्ट द एडसेंस कोड इन बिटवीन द हेड, ठीक है। यहाँ पे हेड टैग ऑफ योर साइट। तो यहाँ पे जो है करना क्या है कि आपको जो है अपने थीम के अंदर में जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है फ्रेश फोटो गैलरी का जो थीम है उसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रेश फोटो गैलरी ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है सेटिंग के आइकॉन पे सबसे पहले क्लिक कर देना होगा। सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको करना क्या होगा कि इसके अंदर में नीचे की ओर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको एक कोड डालना होता है, ठीक है। वो कोड मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे डालना है। तो नीचे की ओर जब आप आओगे तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनेबल कस्टम एड्स टैक्स, यहाँ मोनिटाइज पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपको जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा तो आपको जो है एक कोड देगा, ठीक है। उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करना होता है इसके अंदर में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उस कोड को जो है कैसे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है करेंगे क्या कि दूसरा वेबसाइट ओपन करेंगे जिस पे मेरा जो है एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये जो है दूसरा वेबसाइट ओपन हो गया, ठीक है। अब नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से कोड आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि गूगल एडसेंस देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहीं पे बताया था और यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा इस तरीके का कोड आएगा, ठीक है। तो उस कोड को उठा के इसी के अंदर में पेस्ट कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये होगा क्या कि सेव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है एक काम हो जाता है। बाकी मैं अब आपको बता देता हूँ इसके अंदर में कि दूसरा जो वेबसाइट है फ्रेश फोटो गैलरी का, उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सेटिंग का काम ख़त्म हो जाता है। सेटिंग का काम ख़त्म होने के बाद जो है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रेश फोटो गैलरी का थीम ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। थीम पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको करना क्या, इस एरो पे क्लिक कर देना है और नीचे जो है HTML पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लिक करने के बाद जो है ये थीम ओपन हो चुका है, यहाँ पे जो है HTML कोड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमने जो एडसेंस कोड को कॉपी किया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला कोड। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे जाना है आपको ब्लॉगर के थीम जो ओपन मैंने किया है इसके अंदर में, और यहाँ पे जो है 4 नंबर जो लिखा हुआ है इस पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है और एक बार एंटर दबा देना है, ठीक है। एंटर दबाने के बाद आपको करना क्या है कि इसके अंदर में वो कोड आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहना वीडियो को एंड तक, अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देते हो तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल लिख के आ गया। तो चलिए इसको हम कर देते हैं बैक। बैक होने के बाद जो है यहाँ पे दो काम हमने किया है, एक तो सेटिंग के अंदर में जाके आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है और दूसरा थीम के अंदर में क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ये काम हो गया, तो यहाँ पे जो है अब डन पे क्लिक कर देते हैं। अब डन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखो ऑटो एड्स को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे जो है 5 एड जो है दिखेगा, ठीक है। अब इसको ऑन करने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है मैनुअल एड भी लगा सकते हो, जो कि वो आसान है, बहुत ही आसान है। उस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही भी बना दिया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके देख लेना। बाकी चलिए यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि कैसे जो है ऑटो ऐड लगाना है और कैसे जो है ऑटो ऐड को बंद करना है। तो बंद करना होगा तो सिंपल इस पर क्लिक करके बंद कर सकते हो, अगर चालू करना है तो इस पर क्लिक करके चालू कर सकते हो। और यहाँ पर जो है अप्लाई टू साइट पर क्लिक कर देना है आपको, और फिर यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है अप्लाई नो, यहाँ पर सेलेक्ट है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है सेव हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो अभी जो है इस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा ना तो इस पर ऑटोमेटिक जो है ऐड चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है इसके अंदर में पहले ही सारा सेटिंग कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है एडसेंस अप्रूवल से भी पहले सेटिंग कर सकते हो और एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाए तो भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से सेटिंग करना होता है। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ब्लॉगर से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।